नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। दोस्तों बहुत से बच्चे एक गलती कर रहे हैं जिसके लिए मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जैसे जैसे रेलवे का एग्जाम खत्म हो रहा है आप लोगों ने करंट अफेयर्स देखना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, करंट अफेयर्स चाहे एग्जाम हो चाहे एग्जाम ना हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, करंट अफेयर्स भूल कर भी मत बंद करना देखना। डेली करंट अफेयर्स देखने से नॉलेज भी बढ़ता है, और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर डेली करंट अफेयर्स देख लेते हो तो विश्वास मानो कि आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को चुटकियों में निकालोगे। एक दिन में करंट अफेयर्स नहीं सीखा जा सकता, तो 10 मिनट का ये वीडियो देखने की आदत बना लो। आज का सबसे पहला देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि कैनाबीस, जिसको हिंदी में बोला जाता है गांजा, के उपयोग को वैध बनाने के लिए कौन सा देश दुनिया का दूसरा देश बन गया है। देखो गांजा जो है ये भारत में तो वैध नहीं है, ठीक है, लेकिन दुनिया में कौन सा दूसरा देश है जहां पर इसको वैध मान लिया गया है, उस देश का नाम है कनाडा। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, गांजे को लीगलाइज यहां पर कर दिया गया है। अब एक चीज यहां पर देखो कि अगर गांजा को कनाडा में अभी मान्यता मिल गई है तो नंबर वन पर कौन सा देश है, यानी कि सबसे पहले किस देश ने इसको मान्यता प्रदान करी थी, तो उस देश का नाम है उरुग्वे। उरुग्वे में मान्यता पहले से मिली हुई है गांजा को, अब कनाडा में भी मिल गई है इसकी इसको उगाने की सहमति। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो और समझते हैं। दोस्तों मैं आपको अनअकैडमी पर सौरभ गुप्ता नाम से मिलूंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक है जिस पर क्लिक करके आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं, और आज का पूरा पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कनाडा यहाँ पर राइट आंसर है। तो कनाडा में क्या है कि अपने घर में लोग 4 पौधे लगा सकते हैं, गांजा का 4 पौधे लगा सकते हैं। 4 से ज़्यादा पौधे लगाने पर आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। 4 पौधे का मतलब होता है कि आप अपने शौक के लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप 30 ग्राम तक सूखा गांजा अपने घर में रख सकते हैं, उससे ज़्यादा पाया गया तो आप कानूनी दायरे में आ जाएंगे। कनाडा की यहाँ पर बात हुई है तो कनाडा की राजधानी की बात करी जाए तो ओटावा वहाँ की राजधानी हो जाएगी, और मुद्रा की बात करी जाए तो कैनेडियन डॉलर वहाँ की मुद्रा हो जाएगी। अब इसको वर्ल्ड के मैप पर देख लेते हैं, कनाडा की लोकेशन कहाँ पर है, अमेरिका। देखो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जस्ट ऊपर जो आपको देश दिख रहा है ये है कनाडा, और ये जो अमेरिका और कनाडा के बीच में जो लाइन आपको दिख रही होगी इस लाइन को बोलते क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसी के चलते हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी लाइन होती है वो। सबसे पहले तो उस लाइन को दिखाते हैं जो इन दोनों देशों के बीच में है। ये देखो अमेरिका और कनाडा के बीच की जो पैरेलल लाइन होती है उसे बोला जाता है 49th पैरेलल लाइन, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको दिखा देता हूँ ये वाली लाइन, ये आप लाइन देख रहे हैं इसको बोलते हैं 49th पैरेलल। इसी तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन को बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन, भारत और चाइना के बीच की बोलते हैं मैकमोहन लाइन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन को बोलते हैं डूरंड लाइन, और बाकी और भी यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर रखी हैं। तभी तो आपसे बोलता हूँ कि इसके पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लिया करो आगे रिवीजन करने के लिए। और दोस्तों आज के वीडियो पर टारगेट करते हैं 4000 लाइक्स का, देखते हैं इसको कितनी जल्दी हम लोग अचीव कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, एन्ना बार्स बंस ने किस उपन्यास के लिए 2018 मैन बुकर पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर एन्ना बर्न्स ने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है मिल्क मैन, फिर से समझना, जिसका नाम है मिल्क मैन, उसके लिए इन्होंने मैन बुकर पुरस्कार जीता है। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे ये भी तो बन सकता है कि आपको दे दिया जाए कि मिल्क मैन उपन्यास के लिए किस राइटर ने मैन बुकर पुरस्कार जीता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एन्ना बर्न्स ने। तो दोनों चीज़ें याद कर लिया करो। अब इनका फोटो दिखा देते हैं, देखो अपना नॉवेल भी लिए हैं मिल्क मैन जिसमें लिखा है, इसी के लिए इनको मैन बुकर प्राइस मिला है। ये कहाँ की रहने वाली है, ये आयरलैंड की रहने वाली है, और इन्होंने जो नॉवेल लिखा है वो 18 साल की एक लड़की के ऊपर नॉवेल लिखा है जिसका नाम है मिडल सिस्टर, जिसे मिडल सिस्टर बोलते हैं, और उसका एक शादीशुदा इंसान के साथ में अफेयर चलता है जिसकी वजह से वो यौन उत्पीड़न का शिकार हो जाती है, इसी के ऊपर ये नॉवेल लिखा गया है। आगे प्रश्न है,
किस देश के नवगठित कैबिनेट में 50% मंत्री महिलाएं हैं और जिसके प्रधानमंत्री अबी अहमद हैं। तो 50% मंत्री महिलाएं हैं, वाकई रिकॉर्ड की बात है। और ऐसा करने वाला जो देश है वो है इथियोपिया। इथियोपिया देश में ऐसा पॉसिबल हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इथियोपिया के पीएम और प्रेसिडेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बताया था आपको। अगर अपने देश का कोई पीएम या प्रेसिडेंट वहाँ जाता है या वहाँ से कोई भारत आता है तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं उनके नाम, अदरवाइज आप उसकी कैपिटल याद कर सकते हैं। कैपिटल इसकी हो जाएगी अदिस अबाबा, ये इसका राइट आंसर अदिस अबाबा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व कोंकणी पुस्तक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो विश्व कोंकणी पुस्तक पुरस्कार दिया गया है H.M. पर्नल को। H.M. पर्नल, ठीक है, H.M. पर्नल को विश्व कोंकणी पुरस्कार दिया गया है। ये इनका फोटो देख सकते हैं, ये एक लेखक हैं, पत्रकार हैं, आलोचक हैं, जिनको कोंकणी में लघु कहानियों के संग्रह हैं, जिसका नाम है बीग अड़ी बीगात, इसके लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। आगे चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग अगर करंट अफेयर्स का जो मैं PDF देता हूँ उसको एक साथ डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे 1 तारीख से लेकर 17 तारीख का पूरा करंट अफेयर्स, तो एक साथ करंट अफेयर्स मैं टेलीग्राम पर ही शेयर करता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन जरूर कर लेना। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2018 किस दिन मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो 17 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फोटो दिखा देता हूँ, प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है, और इसमें दुनिया भर में जितने भी प्रगतिशील देश हैं उनमें जो गरीब लोग रह रहे हैं उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए यहाँ पर इसको जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है। इसका जो सब्जेक्ट है कमिंग टुगेदर विद दोज फर्देस्ट बिहाइंड टू बिल्ड एन इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी। इतना बड़ा इसका सब्जेक्ट है, नाम पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न का कुछ हिस्सा यहाँ पर पहुँच गया है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 के लिए निम्नलिखित में से किसे शुभंकर बनाया गया है? शुभंकर, तो यहाँ पर देखो, पुरुष विश्व कप 2018 का जो शुभंकर है वो बनाया गया है ओली कछुआ को। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ओली कछुआ राइट आंसर हो जाएगा। इसका फोटो भी दिखा देता हूँ, ओली कछुआ, कछुआ इसका आंसर है, तभी देखो पानी के पास में इसको बनाया गया है, ले जाया गया है फोटो के लिए। ये जो टूर्नामेंट है इसकी शुरुआत कहाँ पर हो रही है? 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। सारी चीजें याद रखना सो दैट एग्जाम में आप सब कुछ सही कर पाओ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे इंडिया सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है प्रेमा गोपालन को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेमा गोपालन राइट आंसर है, जिनको इंडिया सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये इनका फोटो देख रहे होंगे आप लोग जहाँ पर इनको सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स के द्वारा जारी टॉप 2000 नियोक्ताओं की सूची में किस भारतीय कंपनी को टॉप 25 में जगह मिली है? तो उस भारतीय कंपनी का नाम है LNT, जिसको बोलते हैं लार्सन एंड टुरबो। इस कंपनी को टॉप 25 कंपनियों में जगह मिल पाई है जो कि फोर्ब्स के द्वारा जारी करी गई है। लार्सन एंड टर्बो का फोटो देख लो सो दैट आपको याद रहे कि इसका भी कोई एक आंसर आया था। अब इसी क्वेश्चन में देखो, ये भी मन में बन सकता है क्वेश्चन कि अगर लार्सन एंड टुरबो को टॉप 25 में जगह मिली है तो दुनिया की नंबर 1 कंपनी का स्थान किसे मिला है? तो ये मिला है अल्फाबेट को, अल्फाबेट। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अल्फाबेट कंपनी का नाम नहीं सुना। देखो, गूगल का नाम आपने सुना होगा, जो गूगल कंपनी है उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो अल्फाबेट ही है, यानी कि अल्फाबेट नाम की कंपनी थी जिसका एक वेंचर है गूगल। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अल्फाबेट को नंबर 1 पे स्थान मिला है, नंबर 2 पर मिला है माइक्रोसॉफ्ट को, और विश्व के 10 नियोक्ताओं में से 6 कंपनियां तो अमेरिका से ही बिलोंग करती हैं।
और सीएस 100 में महिंद्रा एंड महिंद्रा को 55 में, ग्रैसिम इंडस्ट्रीज को 59 और HDFC 91 स्थान पर आई है। आगे चलते हैं गूगल। देखो मैंने यहाँ पर आपको गूगल भी दिखा दिया है, इसी कंपनी की बात कर रहा था, ये अल्फाबेट कंपनी का एक वेंचर है। अगला प्रश्न है, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देखो आर्मेनिया के जो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है उनका नाम है निकोल पासिनयान। निकोल पासिनयान उनका नाम है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्मेनिया देश, हो सकता है पहली बार सुना हो, इसका मैं लोकेशन दिखा दे रहा हूँ, ये रहा इसका लोकेशन, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको सही हो जाएगा। शुरू करते हैं आज की क्विज, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर 2018 कहाँ पर शुरू किया गया है। आज का दूसरा प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस 2018 किस दिन मनाया जाता है। आज का तीसरा प्रश्न है कि भारत के सभी प्रधानमंत्रियों पर जो संग्रहालय बनाया जाएगा वो भारत के किस राज्य में मनाया जाएगा। और दोस्तों लेटेस्ट जॉब और करंट अफेयर्स के लिए आप लोग sarkarijobnews.com.co पर जाकर यहाँ पर लेटेस्ट जितनी भी वैकेंसीज आई हैं वो चेक कर सकते हैं, और इस वीडियो का PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। एक बार नाम फिर से देख लेना, sarkarijobnews.co, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी।